ये रोज़ की मॉर्निंग रूटीन है हमारी कि कोई मुझे उठाने आता है और वो क्या करता है देखो जरा। रोज़ मुझे उठाने आती है और रोज़ ऐसे ही आके सो जाती है। अरे अरे बाबू, जो लोग उठाने आते हैं वो खुद ही नहीं सो जाते हैं, उनको थोड़ा उठाने पे मेहनत करना चाहिए। ऐसा थोड़े चलता है, जो उठाने आए उसी के साथ सो जाओ। देखो जरा कितनी गहरी नींद है, मैं इतनी बातें कर रही हूँ उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और दोपहर का टाइम है, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बाल धुल के आई हूँ, तो बाल हल्के हल्के गीले ही है अभी। बहुत दिनों बाद बाल धुला है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी, मतलब मैं वीक में 2 टाइम्स तो हेयर वॉश करती हूँ, और मेरे बाल जैसे ही वो होते हैं ना, मतलब बहुत जल्दी एक तो डर्टी भी हो जाते हैं, और जैसे ही डर्टी होते हैं वैसे ही बहुत स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं, हार्ड से और स्टिकी स्टिकी हो जाते हैं, तो मुझे फिर झेला नहीं जाता है। इसलिए मैं वीक में टू टाइम्स हेयर वॉश तो डेफिनेटली करती हूँ। अभी शुभम एंड जो छुटकी हमारी पगलिया है वो खा पी के मस्त चेप के सो रहे हैं, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, और इसलिए मैं दोपहर के टाइम पे ना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं, क्योंकि ये टाइम ना बहुत लेजी लेजी सा हो गया है, तो दोपहर के टाइम में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लैपटॉप का कोई काम ना करूँ, वरना भयंकर नींद आती है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसे एक्टिवनेस जिसमें एक्टिव रह सकूँ वैसे वर्क करूँ। चल झूठा। तो अभी मैं कुछ फोटोशूट्स की प्लानिंग करने जा रही हूँ, मैं वही करूँगी अभी फिलहाल। एंड मैंने आपको बोला था मैंने लिविंग रूम का विंडो क्लीन किया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि लिविंग रूम का जो मैंने विंडो क्लीन किया है और जो बाकी सारे काम चल रहे हैं वो कैसा चल रहा है। सो दिस इज़ आवर लिविंग रूम्स विंडो, और यू कैन सी कल परसों मैंने, या जिस भी दिन, यार ये मैं कल परसों में बड़ा कंफ्यूज होती हूँ, मैंने ये पूरा सब कुछ क्लीन करा है। इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट जमा हो गई थी, इन सब में धूल एकदम बैठ गई थी जिसको आप कहेंगे ना, क्योंकि धूल चलती है और बारिश होती है तो भयंकर वाली हो जाती है। मैंने इसके ग्लासेस भी क्लीन किए थे, बट मुझे लग रहा ना थोड़ा सा और मुझे इसमें क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं कुछ और वे में भी इसको क्लीन करने की कोशिश करूँगी। तो ये सारा मैंने क्लीन कर दिया, बस वो ये वाला जो ऊपर वाला है ना, ये क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हूँ व्हील चेयर से, तो ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, ये वाला पार्ट बाद में घर में से कोई भी इसको क्लीन कर दे। और ये हमारा है पॉनसेटिया प्लांट, और इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रखा है ताकि इसमें थोड़ी सी लाइट और धूप की गर्माहट लगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ जो होती है भयंकर वाली धूप इस टाइम पे आती भी नहीं है, और इसको बहुत तेज़ धूप में रखना भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अभी देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लगता है यार ये मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट, बट ये बहुत केयर भी मांगता है। सो इफ़ यू आर नॉट अ प्लांट फ्रेंडली पर्सन जो कि उस उनके लिए थोड़ा टेक केयर कर सके, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको लें। अगर आप इनकी देखभाल कर सकते हैं तभी लीजिए, क्योंकि ये बहुत टेक केयर मांगते हैं। एंड ये मेरा एरिया है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे थे, यहाँ पे अरीका था और यही पॉनसेटिया ही था, तो यहाँ पे मैंने, और ये मैंने लाइटिंग करी हुई थी उसकी, तो यहाँ अभी उसको, ये है स्नेक प्लांट, अभी मैंने उसको जो है थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए बाहर बालकनी में रखवाया है। ये सब जो काम है ये मिट्ठू का नहीं है। कैसे फसर गई है, पेट का पूरा बाल झड़ गया इसका। झूठे बोलती है, तुम काट देती हो बाल, फिर बोलती झड़ के मिट्ठू का बाल। हम तो पाछू का बाल काटते हैं। मुंह इतना गंदा आ रहा बाबू तुम्हारा। नहीं बोल सकते हो तुम, इट्स योर फॉल्ट। इसीलिए तो युवा अब ये सुंदर गंध छोड़ेगी तुम्हारे बिस्तर पे, तुमने बेडशीट चेंज की ना, अब देखना तुम बच नहीं सकते। बाबू जल्दी से गंध छोड़ दो अपना गंदा बदबूदार। अरे वाह, अरे 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 अरे,
क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है? चलो 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 टूटू चलो 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 टूटू चलो। कल तुमको पता है बेवकूफ बनाती है, समझ गई हो ना, समझ गई है। लाटक मेरा तुमको वो प्लांट कहाँ से लगा कि बैम्बू का है? और हम और मम्मी थोड़ी सी दिवाली की डेकोरेशन के लिए शॉपिंग की लिस्ट बना रहे हैं अमेज़न से। कुछ 2-3 घंटे से मम्मी और मैं लगे हुए हैं, इतनी देर में तो एक मूवी खत्म हो जाती है, इतनी देर में हम कुछ डेकोरेशन की चीज़ें नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो बस अभी आपको नहीं दिखाएंगे, जब आ जाएगा तब दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग जो हैं यहाँ पे घर को डेकोरेट करने के लिए अपने 2-2.5 घंटे से अपना टाइम लगाए हुए हैं, और दूसरा अनइंटरेस्टेड इंसान अपने काम में लगा हुआ है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता घर कैसा भी दिखे। क्या जे बात हम समझ गई? हाँ जे बात हम समझ गए, क्योंकि खुद इसका रूम देखिए ना, जिन्होंने भी पहले वाला मेरा व्लॉग देखा है जब मैंने इसका रूम डेकोरेट किया था, तब से अब तक में, तब ये यहाँ रहता नहीं था, तब से अब तक में इसके रूम की दशा देख लीजिए। तो शाम हो चुकी है और अभी मैंने मंगाए हैं ये कुछ फ्लावर्स और फोटोशूट प्रोडक्ट फोटोशूट जिसकी मैंने बात की थी, क्योंकि थोड़ा फेस्टिव लुक देना है इस वजह से ये वाला फ्लावर्स चाहिए था मुझे। और ये बन रहा है थोड़ा सा टोस्ट, क्योंकि शुभम और मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो ये फटाफट वाला है। और पापा जी जो कर रहे हैं सांझ बत्ती दे रहे हैं। और हम लोग इतने घंटे बैठे, इतने घंटे बैठने के बाद मैं और मम्मी ने बस कुछ इक्का दुक्का चीज़ जो है वो फाइनल की है इस कॉर्नर के लिए। ये आप देख सकते हैं ये वाला कॉर्नर, इसको मुझे अभी बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। और हालांकि अभी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो एक बार में नहीं हो पाएगी, बट हाँ हम इसके ऊपर, मेरे कुछ आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। गर्द में मुंह देके आए। और पापा जो है शाम से, तुम उसका पैकिंग करी, तुम उसका पैकिंग करी, हम लोग उसका पैकिंग कोई नहीं करने वाला है, उसका पैकिंग वही करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, छोटा भाई है तुम्हारा, जाके पैकिंग करो। ऐसा कैसे कर सकती थी तुम मेरे साथ? देखो अब ये वाहियात पैकिंग हम तो नहीं करने वाले हैं, ये तो तुम ही करो। कर्ज आओ देखें। कर्ज देखोगे तुम? कौन सी वाली, ऋषि कपूर वाली या हिमेश रेशमिया वाली?